सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे, अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो विनम्रतापूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसा चिदम्बरम जी ने कहा, फौज के अंदर, और अजय माकन जी ने बिल्कुल सही कहा, फौज में आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद साल में 2 महीने की छुट्टी भी जाएगा वो, तो टोटल सर्विंग पीरियड जो है 4 साल का है, उसमें से मुश्किल से 2.5 या 2.25 साल की वो नौकरी कर पाएगा। उस इतने कम समय में नाम नमक और निशान की जो बात कह रहे थे ये बिल्कुल सही है। फौज में सरहद पर खड़े होकर देश के लिए शहादत देने के साथ साथ अपने साथियों के साथ एक असमरणीय एक जज्बात पैदा होते हैं, और जिन लोगों ने फौज की वर्दी पहनी है वो समझते हैं कि इसमें समय लगता है। जब एक नौजवान को मालूम है कि 2.5-3 साल के बाद उसको वो यूनिट बटालियन छोड़नी है, तो वो संबंध, वो व्यवहार वो नहीं बना सकता, ये सर्वविदित है। लेकिन जानबूझकर इस स्कीम को डाला गया है। हम समझते हैं इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। फौज के अंदर हमारी भारत की सेना किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी दल से बहुत ज़्यादा कीमती है। सदियों से, दशकों से हमारे सैनिकों ने हमारे देश को गौरव दिया है। आज उनके भविष्य के साथ, उनके रिक्रूटिंग जो प्रक्रिया है उसके साथ, और विशेष रूप से करोड़ों करोड़ों नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, ये आज से पहले कभी किया नहीं है। और भारतीय सेना, भारतीय फौज, हम सबको उन पर फ़क्र है। मुझे लगता है कि उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और केंद्र सरकार को समझना होगा, कांग्रेस पार्टी ने हम पे आरोप लगाते थे कि हम किसानों को भड़का रहे हैं या मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने कल स्कीम अनाउंस की है और आज पूरे समूचे देश में लोग, नौजवान आंदोलित हैं, तो ये संवाद की कमी है, चर्चा की कमी है, मनमानी थोपने की जो आदत है केंद्र सरकार के, भाजपा की, उसी का परिणाम है कि ये अल्प समय में, जल्दबाजी में, जैसा अजय भाई जी ने कहा, ये ठेका प्रवृत्ति जो कर रहे हैं फौज के अंदर वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए इसको रोक देना चाहिए, और अहंकार, घमंड में, जिद पे अड़कर किसी स्कीम को थोपना बिल्कुल गलत है, विशेष रूप से जब वो सेना और हमारे देश की सरहदों पर सवाल आता है। तो मैं देश की तरफ से, पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि फौज के सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। जो विशेषज्ञ हैं, जो सेना के पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, सब ने एक स्वर से कहा है कि ये हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बनाई गई स्कीम है, इसको थोपने का काम केंद्र सरकार कर रही है, इसको उसको रोक देना चाहिए।